ये मैंने लिया था जनवरी 2021, मतलब हो गया है ऑलमोस्ट 1.5 साल। और इसकी ये मैंने लिया था 4,500 रुपीज़ में, ठीक है। इसके क्रॉक्स के जो ऑफिशियल स्टोर आते हैं मॉल में, मैंने वहाँ से लिया था। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आप लेते, ये वर्थ द मनी है, तो दिखने में है सिर्फ, मतलब दिखने में और पहनने में ये बहुत कंफर्टेबल है। अदरवाइज़ मेरे को 1 साल के अंदर ये लीक होना शुरू हो गया था। दरअसल जब आप पानी में पहन के इसको जाते हो तो इस यहाँ से पानी पूरा अंदर आ जाता है इसके कहीं से, मतलब हो सकता है ये सिर्फ मेरे इस क्रॉक्स को ही हो रहा है, लेकिन पता नहीं दूसरों को। लेकिन इसमें पानी, जब थोड़ा सा भी पानी में आप पैर रखते हो तो पूरा पानी अंदर डिपॉजिट हो जाता है अंदर, और ये बहुत ज़्यादा लीकेज। आप ये देख सकते हो, मैंने इसको फेवी क्विक से फिक्स किया हुआ है। ये जो पूरा है ना, पूरा पूरा जो है फुटवेयर, ये पूरा फेवी क्विक से मैंने यहाँ पे इसको फिक्स किया है। इस ये देखिए, आप ये देख सकते हो, ये आपको लग रहा होगा ये फेवी क्विक से फिक्स किया हुआ है। ये वाले को भी फेवी क्विक से यहाँ से फिक्स किया हुआ है। तो मेरे को इसका प्राइस वर्थ नहीं लगा। हाँ, अगर आप सिर्फ डिज़ाइन के लिए आप इसको ख़रीदना चाह रहे हो तो डिज़ाइन के लिए बहुत बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है, हर किसी को पसंद आएगा। सब पूछेंगे कहाँ से लिया, कितने में लिया, और जब उनको पता चलेगा कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो फिर वो बोलेंगे अरे ये वर्थ नहीं है। तो ठीक है, तो किसी को प्राइस मत बताना अगर आप ले रहे हो तो। अदरवाइज़ 1.5 साल हो गया इसको और ये अभी तक के ऐसा हो रहा है। तो ये एक्चुअली, आपको इसके बारे में एक बात बता दूँ कि आप इसको धूल वाले एरिया में बिल्कुल नहीं पहन सकते, क्योंकि आप धूल वाले एरिया में पहनोगे ना तो ना अंदर पूरी मिट्टी डिपॉजिट हो जाएगी। आप नॉर्मली जो रास्ते पे, अगर आप कोई टाउन में या फिर कोई ऐसे धूल वाले एरिया में ग्राउंड में आप पहनते हो ना, तो इसमें डस्ट डिपॉजिट हो जाती है। और मेरे को डॉक्टर ने भी ये बताया था कि ऐसे चप्पल आप नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अंदर डस्ट डिपॉजिट होती है और आपके मतलब नेल्स वगैरह, मेरे को नेल इन्फेक्शन भी हुआ है ये चप्पल की वजह से। ओके, अगर जब मैंने चप्पल पहनना छोड़ दिया तो नेल इन्फेक्शन मेरा अच्छा हो गया था। अदरवाइज़ दिख सिर्फ ये दिखने में अच्छा है। और जो क्रॉक्स का जो मटेरियल है, ये स्पेशल कुछ टाइप का एक रेजिन आता है जो कि ये कंपनी को ही अलाउड है बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इसीलिए इसका प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा है और ये इंटरनेशनल ब्रांड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अभी तो डी मार्ट ने तो कचरा कर दिया इसका। डी मार्ट पे सेम ऐसे बहुत सारे आपको क्रॉक्स जैसे पैटर्न वाले चप्पल अवेलेबल हैं। तो आप अगर 4,500 का अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर नाइकी शूज़, जो कि आपको 4,500 या 5,000 तक के बहुत अच्छा आ जाएगा। और यू कैन गो फॉर अदर पैटर्न वेरियंट्स इन द सेम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लिंक इस सेम ऐसे पैटर्न के अदर क्रॉक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यू कैन बाय फ्रॉम देयर।